नमस्ते उम्मीद अलकुमी को तरसलो खैर से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे आज की रिएक्शन वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वो किस्सा जब प्रोफे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल थे तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मुझे शर्म आती है तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको पूरा और एंड में मिलेंगे फिर डिस्कस करेंगे कि इस वीडियो में हमें क्या क्या नई चीज़ पता चली है प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जुड़ी है तो बिना वक्त जाए क्या स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेटी फ़ातिमा को लेने ससुराल गए तो औरतें इस वाक़े को ज़रूर सुने नाजरीन हज़रत फ़ातिमा रज़ील् ताली आल्ला के प्यारे नबी सल्ला वसलम की लाडली बेटी और हज़रतली रज़ी अल्लाह तालों की बीवी और हज़रत हसन और हुसैन की वालदा हैं आप रज़ी अल्लाह तहाँ की तकरीबा बीस या बाईस साल की उम्र में ही शहादत हो गई थी अल्लाह के नबी सल्ला वसलम को अक्सर अरब के लोग कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा दौलत को पाने के लिए किया है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था जब हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह अनहा के हालात शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं थे तब ये इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ अक्सर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तह के घर की ये हालत होती कि इनके बच्चे हजरत अली हज़रतली रज़ील्लाो रोज़ाना फ़जर की नमाज पढ़ने के बाद मजदूरी को निकल जाया करते थे मजदूरी मिलती तो घर में चूल्हा जलता वरना फाका होता था आप रज़ी अल्लाह तहो अक्सर अपनी रोज़ाना की पूरी कमाई किसी ज़रूरतमंद की मदद में ख़र्च कर देते थे अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम की बेटी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा रजी अल्ला ताला अन्हा के पास कुछ भी दौलत नहीं थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताली का नूर और सादगी शायद ही दुनिया में किसी और औरत के पास हो वो घर में चक्की पीसने से लेकर झाड़ू बर्तन और बच्चों की परवरिश सब काम खुद अपने ही हाथों से किया करती थी हज़रतली रज़ी अल्लाह तालों के घर में बिस्तर के नाम पर ऊंट की एक सूखी खाल थी जिस पर इनका ऊंट दिन में चारा खाता और रात में वही खाल सोने के काम आती थी इस तरह की जिंदगी होने के बावजूद भी हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अनहा ने अपने शौहर से कभी कोई शिकायत नहीं की और ना ही कभी कोई फरमाश की तारीख गवाह है कि अल्लाह तआला ताल और हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह तहाँ का जोड़ा मिसाली रहा है हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला ने कभी भी अपने शौहर की खिदमत गुजारी में कोई कसर बाकी ना रखी अल्लाह के प्यारे नबी अलैहि वसल्लम भी अपनी लाडली बेटी को हमेशा यही नसीहत फरमाया करते थे कि बेटी औरत का सबसे बड़ा इखलाकी फरीज़ा शौहर की खिदमत गुजारी और बरदारी है आप अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तहों से भी यही कहा कि आप मुझे बहुत अजीज़ हो फातिमा भी मुझे बेहद अजीज़ है हमेशा मेरी बेटी फ़ातिमा के साथ अच्छा बर्ताव करना नाजरीन एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी अलैहि वसल्लम अपने लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तह को लेने इसके ससुराल तशरीफ़ ले गए इस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह ताली घर पर मौजूद नहीं थे ये देख कर हज़रत फ़ातिमा रज़ील्ला त ने अल्लाह के नबी सल वसम से यानी कि अपने अब्बा हजूर से जो कुछ कहा इसको सुनकर आप भी हैरानो परेशान हो जाएंगे इसी लिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है और ख़ास कर ऐसी औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें जो बार बार अपने ससुराल से मायके आ जाती हैं इन ऐसी औरतों की ज़िंदगी बदल जाएगी नाजरीन आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं ये वाक़ हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताली की शादी के तीन दिन बाद का है हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताली की शादी के तीन दिन बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम अपनी लाडली और प्यारी बेटी को लेने के लिए फ़ातिमा के ससुराल गए यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह तालों के घर तशरीफ़ ले गए और आपने अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा को आजमाने के लिए अरशाद फरमाया कि बेटी फ़ातिमा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ घर चलें तो ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रजील्ला ता अपने वालिद मोहतरम से अर्ज़ करने लगी कि या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं मेरी कोई जुरत नहीं कि मैं आपको इनकार करूं लेकिन अब्बा हजूर मैंने आप ही से सुना है कि शौहर की इजाज़त के बग़ैर कभी भी घर से मत निकलना अभी मेरे शोहर घर पर नहीं हैं अगर इजाज़त दें तो मैं अपने शौहर ताला अन्हों का इंतज़ार कर लूँ बेटी के मुंह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी अलैहि वसल्लम की आँखों में आंसू आ गए आप अलैहि वसल्लम ने अपनी आहट को समेटा और फिर अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम वहीं पर कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठ गए और हजरत अली अल्लाह रज़ील्लाों का इंतज़ार करने लगे इस दिन ये भी बड़ी अजीब बात थी कि इस दिन हज़रत अली अल्लाह रज़ियल्ला भी घर बड़ी देर से आए जब हज़रत अली रजी अल्लाह तहो घर आए तो आपने देखा कि घर में अल्लाह के प्यारे नबी सल्ला वसम कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं ये देख कर आप रज़ील्ला तहो बड़े हैरान हुए इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली दमाद हज़रतली रज़ील्लाहो से पूछा ए अली अगर इजाज़त दो तो मैं अपनी बेटी फ़ातिमा को घर ले जाऊँ ये सुनकर हज़रतली रज़िल्ला तहो फूट फूट कर रोने लगे और अर्ज़ करने लगे या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं मेरी आज जितनी भी इज़्ज़त है वो सब आपके क़दमों की बरकत से है या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैं आपको कैसे इजाज़त दूँ ये कैसे हो सकता है ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ए अली मैंने फ़ातिमा को सिखाया है कि बेटी कभी भी शौहर की इजाज़त के बग़ैर घर से ना निकलना हमेशा अपने शौहर की अतात करना इसीलिए फ़ातिमा कहती है कि अब्बा जान जब तक मैं अपने शौहर हजरत अली रज़ील् तालों से घर जाने की इजाज़त ना ले लूं तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर हजरत अली रजील्लाहों अर्ज़ करने लगे या रसोल्ला सल्ला वसल् आप दुआ करना अल्लाह पाक फ़ातिमा की इन अमाल की बरकत से मुझे कल कयामत के दिन भी कामयाबी अता फरमा दे नाजरीन इसी तरह से अब आपको मदीना शहर का एक और वाकया बताते हैं जिसको सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे हज़रत मोहम्मद गजाली ने अपनी किताब में लिखा है कि मदीना शरीफ में एक मरतबा एक औरत को इसका शौहर पाबंद करके गया कि सुनो मैं बाहर जा रहा हूँ मेरे पीछे से घर से ना निकलना यानी कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक घर में ही रहना घर से बाहर न निकलना इस औरत के घर के सामने ही इसके बाप का घर था यानी कि इसका मायका था जिसमें इसका बूढ़ा बाप रहता था एक दिन इसके बाप के घर से पेगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है आकर अपने बाप से मिल लो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बेटी को अपने बाप से कितनी मोहब्बत होती है इसका कोई पैमाना नहीं कि कोई इसको नाप सके कोई ऐसा तराजू नहीं कि इसको कोई तोल सके लेकिन यहाँ पर जैसे ही बेटी के पास पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है तो बेटी कहने लगी कि मैं नहीं जा सकती हूँ मेरे शौहर मुझे पाबंद करके गए हैं और मेरे शौहर ने मुझे पाबंद इसलिए किया है कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने मुझे पाबंद किया है आपने फ़रमाया कि शौहर की इजाज़त के बग़ैर घर से बाहर ना निकलना और मुझे इस वक्त इस बात की कोई ख़बर नहीं कि मेरे शौहर किस मैदान में जिहाद कर रहे हैं जाओ पहले अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम से पूछो कि मेरा बाप बीमार है मैं अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर जाऊँ या ना जाऊँ फिर अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम से जब इस बारे में सवाल किया गया तो आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर इस औरत से कह दो कि अगर शौहर की अतात करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जजा अता फ़रमाएगा खैर दो दिनों के बाद खबर आई कि तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है आकर अपने बाप से मिल लो औरत ने फिर अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम से पता किया तो आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर इस औरत से कह दो कि अगर अपने शौहर की अतात करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जजाता फ़रमाएगा इसके बाद चार दिन गुज़र गए कि ख़बर आई कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है आकर अपने बाप की आखिरी सूरत का दीदार कर लो अब यहाँ पर आप सोचें कि चाहे कोई भी बेटी अपने बाप से कितनी भी दूर क्यों ना हो चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हो लेकिन इस तरह से अगर इसका बाप इंतकाल हो जाए तो वो कहने लगती हैं कि चाहे मेरे जेवर बेच दो चाहे कुछ भी हो जाए मगर मुझे मेरे बाप के पास ले जाओ मुझे इनका आखिर दीदार करना है लेकिन यहाँ पर आप देखें सामने ही बाप का इंतकाल हो गया है मगर ये औरत अपने शौहर की इजाजत के बग़ैर अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं जा रही इसने अल्लाह के प्यारे नबी वसल्लम के पास फिर से पैगाम भेजा कि या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप का इंतकाल हो गया है मेरे सर से बाप का साया उठ गया है मेरे शौहर मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना करके गए हैं अब मेरे लिए क्या हुक्म है तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी के वही जुमले थे जो इससे पहले आपने फरमाए थे आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस औरत से कह दो अगर अपने शोहर की इतात करोगी तो अल्लाह तुम्हें बेहतर जजा अता फरमाएगा नाजरीन ये है अल्लाह के रसूलों को मनाने वाली औरत शोहर की दूरी में बाप का इंतकाल हो गया मगर शोहर की इजाज़त के बगैर अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं गई इसके बाद इस औरत के बाप को दफ़न कर दिया गया फिर दो दिनों के बाद अल्लाह के प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि पता करो इस औरत को वो अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए गई या नहीं तो सहाबा कराम पता करके आए और अर्ज़ करने लगे या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाएं आपके निज़ाम पर आपके फरमान पर आपके जुमलों की तासीर ऐसी है कि वो औरत आपके दिन की पहरेदार बन गई है वो अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए नहीं गई ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए सहाबा कराम अर्ज करते हैं कि इस औरत का मुकद्दर जागा हमने देखा कि चंद आंसू हजूर अलैहि वसल्लम के गिरे फिर आपने अपने चेहरे को साफ करते हुए फरमाया कि जाओ और जाकर इस औरत को खुशखबरी सुना दो कि तुमने अपने शोहर की अतात की है तेरी इस बरदारी की वजह से अल्लाह ताला ने तुझे भी बख्श दिया है और तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी है मगर नाजरीन आजकल तो अक्सर देखने में आता है कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को किसी काम के लिए मना करता है तो वो औरत अपने शोहर को दिखाने के लिए वो काम और ज़्यादा करती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि देखो मैं तुमसे डरती नहीं हूँ नाजरीन इसमें डरने और डराने की कोई बात नहीं है हमारे प्यारे नबी हजूर अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शौहर की इजाज़त के बगैर अपने घर से भी मत निकलना चाहे जो भी हो जाए इसीलिए आप प्यारे नबी सी इस फरमान पर अमल ज़रूर करें इनशाला आप दोनों जहां में कामयाब हो जाएंगे अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए बहुत ही अच्छा वीडियो है और प्रोफे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी अच्छे तरीके से जीने के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं जिनको अगर वाकई ही हर इंसान अमल में लेकर आएगा तो उनकी जिंदगी बहुत ही सुकून से बतर होगी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स को इन सब बातों को फॉलो करना चाहिए बल्कि अगर, अगर अदर रिलीजन के लोग भी इन बातों को सुनेंगे इन बातों को अपनी ज़िंदगी में अमल में लेकर आएंगे तो उनकी जिंदगी भी बहुत ही बेहतर बन जाएगी जैसे कि इस वीडियो में उनने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए बताया कि जो वाइफ है अगर वो हस्बैंड की हर बात सुनती है अगर हस्बैंड ने किसी बात के लिए मना किया है तो वो उसको उसके अगेंस्ट नहीं जाती जो कि आजकल ऐसा नहीं होता अगर हस्बैंड ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया है तो वही बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? अगर मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ इट मीनस कि मैं छोटी हो गई हूँ तुम्हारे सामने झुक गई हूँ लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है कि जब वो दोनों साथ में चलते हैं तो उनकी जिंदगी की जिंदगी की गाड़ी बहुत ही स्मूथ चलती है लेकिन जब दोनों में टसल होता है आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तब ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा नौबत बढ़ जाती है कि लोग डाइवोस तक पहुंच जाते हैं और आजकल हमने देखा है कि तलाक बहुत ही कॉमन हो चुके हैं ये एक बहुत ही आम सा मसला बन गया है हर दूसरे तीसरे शख्स को देखो वो लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें तलाक़ चाहिए हमारी बनती नहीं है मेरी बीवी मेरी नहीं चलती है बीवी कहती है हस्बैंड मेरे मुताबिक नहीं चलते तो ये सब मसले होते रहते हैं लेकिन अगर इंसान ये सोच ले कि नहीं मेरे हस्बैंड का कहा हुआ ऐसा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में अमल में लेकर आना है और यही आखिरत के दिन भी मुझे मतलब मेरे जो गुनाह हैं उनको कम करेगा तो हर इंसान की जो ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस चल रही है ना वो सब सुकून से मतलब वो सब हट जाएंगी तो बहुत ही अच्छा वीडियो है आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाय